हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी है सुबह का टाइम और मैंने अंदर मतलब खाना वगैरह बना लिया है और गाय को भी धो लिया था पहले। तो गोबर को मैंने इकट्ठा कर लिया था यहाँ पर, गोबर गोबर जैसा मैंने बाहर उपले बनाने के लिए रख दिया था। और जो हम नीचे वाली खराब घास होती है उसको फेंकते हैं खेतों में खाद बनाने के लिए, तो इसमें आधा गोबर भी मिक्स होता है और घास भी, इसकी बहुत ही अच्छी खाद बनती है खेतों में, मतलब खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो हम पूरे साल इकट्ठा करके रखते हैं और बाद में फसल बीजने का टाइम आता है तो खेतों में फेंकते हैं। तो मैंने खाद फेंक दी, मतलब वो गोबर ख़राब था उसको फेंक दिया। और अब मैं यहाँ पर जला रही हूँ हमाम में आग। तो उपले भी गर्म पानी से ही बनाते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे तो मैं सुबह उठा देती थी गोबर, पर उपले नहीं बनाए जाते तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हवाम में मैंने आग जला ली है और गोबर को मैंने आगे जैसे रखा है। तो पानी लेना पड़ता है, इससे मसलना पड़ता है पानी से गोबर, और तभी उपले बनते हैं, ऐसे फिर अच्छे से नहीं बनते। तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है तो हवाम में हम पानी गर्म कर लेते हैं और पशुओं को पिलाने के लिए भी हो जाता है, और अगर किसी ने नहाना हो तो नहाने के लिए भी हो जाता है, उपले वगैरह बनाने के लिए भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पानी से हमाम से पानी निकाल रही हूँ और उपले मैंने बना दिए थे, वो नहीं दिखाए आपको। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी भिगोने के लिए रख दी क्योंकि हमारा कच्चा फर्श है तो तीसरे चौथे दिन लिपाई करनी ही पड़ती है, तो हम गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं। और ये मैंने बनाई है मूँग दाल। तो खाना बना करके गई थी मैं गायों को, मतलब उनका गोबर उठाने, तो ये मैंने मूंग दाल बना रखी है और चपाती भी बना ली है और चावल भी। तो 8-10 चपातियाँ बनाई मैंने और ये बनाए हैं चावल। तो इससे बच्चे खाने भी लग गए थे, पहले वाली क्लिप है जब बच्चे घर पर ही थे, तो उसके बाद फिर सभी ने खाना खाया। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। तो हम अभी गांव में कई कई तो अब विम बार से धोते हैं बर्तन, पर हम चूल्हे की राख से ही धोते हैं और इसमें थोड़ा सा सर्फ मिलाते हैं कपड़े धोने वाला। और अगर हम सर्फ भी ना मिलाएं तब भी इससे बहुत ही ज़्यादा साफ़ बर्तन होते हैं और अच्छे भी रहता है अगर हम राख से बर्तन धोएं तो। हमारी हजारों बीमारियां दूर होती है चूल्हे की राख से, और अच्छे बर्तन भी अच्छे साफ़ होते हैं, तो हमारा पैसा भी बच जाता है और निरोगी भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे की राख ली है और मैं बर्तनों में चूल्हे की राख से इनको, हम अपनी भाषा में बोलते हैं मांजना, तो इनको मैं अच्छे से मांज रही हूँ। और तसले में मैंने ले लिया है गर्म पानी, तो ये भी हमाम से ही ला रखा है मैंने क्योंकि बाहर अच्छा रहता है खुले में, फिर धोने के लिए भी अच्छे रहते हैं और जैसे रखने हो तब भी अच्छे रहते हैं। तो मैं, अगर बारिश वगैरह ना हो, साफ हो मौसम, तो मैं आंगन में ही बर्तन धोती हूँ नलके के पास। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी ले लिया है, ये बर्तन रखने की टोकरी है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से राख लगा ली है बर्तनों को और अब मैं धो रही हूँ इनको। तो अब मैं धो भी रही हूँ साथ साथ में और टोकरी में भी रख रही हूँ। तो देखिए कैसे चमकते हैं राख से, चूल्हे की राख से बहुत ज़्यादा, मतलब बर्तनों में भी चमक आती है और अच्छी भी रहते हैं, निरोगी होती है चूल्हे की राख, इससे हमारी हजारों बीमारियां दूर होती है। तो यहाँ पर मैं धो लेती हूँ बर्तन। और पशुओं को मैंने बाहर बांध लिया था, इनको घास दे दिया था हरा चारा खाने के लिए,
और जितने को ये हरा चारा खाएंगे उतने को हमने खाना पहले खा लिया था। और अब मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, तो उसके बाद मैं इनको पानी पिलाऊंगी और फिर हम चले जाएंगे, या फिर लकड़ियाँ काटने जाएंगे या तो घास लाने जाऊंगी। तो बर्तन मैंने धो लिए और अब मैं इनको रख दूंगी यहाँ पर सूखने के लिए और फिर बाद में ले जाऊंगी अंदर। तो ये गाय हरा चारा खा चुकी थी, तो अब मैं इनको पिला रही हूँ पानी। तेरा नाम था तेरा? तो अभी कट्टू को पिला रही हूँ पानी, और ये गर्म पानी, अगर हम इनको गर्म पानी पिलाते हैं तो ये ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है तो हमारे भी दांतों में लगता है गर्म पानी, नहीं ठंडा पानी। तो गर्म पानी इनको भी अच्छा रहता है और ज़्यादा भी पी लेते हैं, तो हम इनको गर्म पानी ही पिलाते हैं। और मैं पिला लेती हूँ इनको पानी। बेचारी ताके हाथ लगी जोड़ पे प्यार करवा तू बोलो भी। हाँ के रखूं? कम रख ले तो बंदे। हाँ जी खोल। कौन? तो अब मैं बांध रही हूँ बच्चों को अंदर, बड़े जून लग रहा हूँ, क्योंकि फिर हमने जाना था घास के लिए और फिर लेट हो जाते हैं जब घास लेकर आते हैं, क्योंकि कांटों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम घास काटते हुए। तो यहाँ से था भी दूर हमारे घर के पास से, तो मैंने पशुओं को अंदर बांध लिया, क्योंकि प्रिंस के पापा भी घर में नहीं थे, तो बच्चों से भी नहीं बांधी जाती है, कट्टू इधर उधर भागती है तो इसका गिरने का डर रहता है, और इनको ऐसे भी डराती है ये, तो फिर डर ही लगता है। तो मैंने इनको अंदर बांध दिया और अब जाएंगे हम घास लाने के लिए। तो ये देखिए गौरू को मैंने पहले बांध दिया था और कालू को, और अब बांधा कट्टू को। तो अब ये यहाँ पे अच्छे से लेट भी जाएगी और हम चले जाएंगे घास लाने, और वहीं से ही हरा चारा भी ले आएंगे। तो बाद में फिर हम लेट आने थे वहाँ से, तो फिर ठंड भी आ जाती है, उतने को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और हमने इनको कर दिया अंदर। और इसके बाद मैं यहाँ का दरवाज़ा भी दे दिया मैंने, और यहाँ का पर्दा भी बंद कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंडी हवा लगी रहती है तो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये है हमारे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। तो अब हम जा लेते हैं घास को, और सूर्य देव जी भी देखिए थोड़ी सी देर बाद छिप ही जाएंगे।
तो घास लेकर हम आ गए घर के लिए, और वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बनाने में फिर बहुत लेट हो जाते हैं वीडियो बनाते बनाते। तो घास लेकर के आ गई हूँ मैं घर में, और मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो मैंने सूखी घास लाई और इन्होंने लाया हरा चारा, और बीच बीच में मैंने एक दो दो पुल्ला भी बांध दिया था इनके पास। तो ऐसे ही मैंने चल चल आ गया। तो हम सभी आ गए हैं घास लेकर के, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे नटखट है मेरे बच्चे, घास के पीछे, और यहाँ पर प्रिंस भी मेरे साथ बातें कर रहा था। तो इसके पास मैंने अपना ढाट दिया, मतलब सिर में बांधने के लिए, वो तो उसको मांग रही थी मैं इससे, और था तो अब ये चले जाएंगे आग सीखने, और मैं यहाँ पर काउ मिल्किंग भी कर लूंगी और घास पानी भी डाल लूंगी। उसके बाद मैं भी चले जाऊंगी घर। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।